जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि इंडियन आर्मी का अगर आप सभी ने फॉर्म भर दिया है और रिटर्न एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं कि 22 अप्रैल को हमारा रिटर्न एग्जाम होगा, तो अभी यहाँ पे बड़ा मुद्दा ये उठता है बच्चों के अंदर कि आखिर रिटर्न एग्जाम जो होने वाला है इसका एडमिट कार्ड कब देखने को मिलेगा, क्योंकि 22 अप्रैल से एग्जाम होगा तो एग्जाम के कितने दिन पहले आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा। और दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि आप सभी को एग्जाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेंगे, क्या आपको 10th की मार्कशीट आए जा निवास भी लेकर जाना पड़ेगा एग्जाम के समय या फिर नहीं लेकर जाना पड़ेगा, सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप सभी इन बचे दिनों में ऐसा आर्मी जीडी का एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर आर्मी के किसी भी ट्रेड के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई किया, चाहे क्लर्क हो गया, जीडी हो गया, स्टोरमैन हो गया, टेक्निकल हो गया, किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट ही क्यों ना हो गया, आप सभी किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं इन बचे दिनों में, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बात कर लेता हूँ कि आर्मी एग्जाम के समय आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। देखिए, आप सभी का एक एडमिट कार्ड होना चाहिए आर्मी का, ठीक है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड कब आएगा मैं आपको भी बताने वाला हूँ, एडमिट कार्ड लेकर जाना है और साथ में आप सभी को अपना एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जिसे अपना आईडी प्रूफ बोल सकते हो। अभी खुद का आईडी प्रूफ में आप सभी का कुछ भी चलने वाला है, चाहे आप आधार कार्ड लेकर जाइए, चाहे आप वोटर आईडी लेकर जाइए, चाहे आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाइए, इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल किसी को भी, मतलब किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है, अपना पर्सनल आईडी, ठीक है, जिसमें आप सभी की खुद की फ़ोटो लगी हो, वही आपको आईडी प्रूफ यहाँ पर लेकर जाना है। आपका एक एडमिट कार्ड हो जाएगा, एक आप सभी का डॉक्यूमेंट हो जाएगा, मतलब आईडी प्रूफ, और साथ में आपको दो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेकर जाना है और अपना खुद का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेकर जाना है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जैसे मान लेते हैं हमने फॉर्म भरते समय जो भी फ़ोटो लगाया है, क्या वही फ़ोटो लेकर एग्जाम के समय हमको जाना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा? तो देखिए, अगर आपने फॉर्म भरते समय जो भी फ़ोटो लगाया है, अगर आपके पास हुआ फ़ोटो है तो आप सभी उसे ही लेके जाइए एग्जाम के समय, या फिर आप सभी नया फोटो भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं होगा, ठीक है। अभी दूसरी बड़ी बात क्या निकलती है कि जैसे मान लो हम यहां पे इतने ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, बाकी अदर में आपको कुछ नहीं लेकर जाना है, पेन वगैरह बिल्कुल आपको लेकर नहीं जाना है, पेन आपको वहां पे मिलेगा और रफ कार्य करने के लिए रफ भी आप सबको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। एग्जाम आप सभी का यहां पे ऑनलाइन माध्यम से होगा, ये चीजें आपको पता भी होंगी, ठीक है। और आप सभी को बता दें, अगर आपको आर्मी एग्जाम क्वालिफाई करना है इन्हीं कुछ दिनों में, आप सभी को तैयारी करनी है, तो आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 के लिए वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्शन दिलाने वाली पीडीएफ है, जिसमें आप सभी को जीके जीएस रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपका सपना है कि आर्मी अग्निवीर 2024 का एग्जाम क्वालिफाई करना है और सिलेक्शन लेना है आर्मी अग्निवीर में, तो आप सभी इन पीडीएफ को लेकर अवश्य पढ़िएगा। आर्मी अग्निवीर के लिए ही यह पीडीएफ यहाँ पे तैयार किया गया है, जिसमें आप सभी को कुल 500 प्रश्न मिलने वाले हैं। ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 500 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसमें आप सभी को जीके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और यह सब कुछ आपको सिर्फ 49 रुपये मिलने वाला है, सिर्फ 49 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें आप सभी प्राप्त कर सकते हो। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आपको बारकोड दिख रहा है, आप सभी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है, टीम आपसे संपर्क करके आपको पीडीएफ यहाँ पे दे देगी, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, 100% शुद्धता के साथ सारी काम यहाँ पे हो रहे हैं। और आर्मी अग्निवीर के काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस पीडीएफ को लेकर पढ़ा है, अब आपकी बारी है। अगर आप भी यहाँ पे 49 और 50 रुपये की लालचना करते हुए इन पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन आप सभी का इंडियन आर्मी में होने से कोई नहीं रोक पाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी कि 500 क्वेश्चन को आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए ही इन 500 क्वेश्चन तैयार किया गया है। आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया, जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया या नर्सिंग होगा, किसी भी ट्रेड के लिए, तो सभी के लिए यह जीके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी मैंने यहाँ पे आप सभी को सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी बड़ा मुद्दा ये उठता है कि आखिर 22 अप्रैल से एग्जाम है तो एडमिट कार्ड कब देखने को मिलेगा। देखिए, एडमिट कार्ड आप सभी का यहाँ पे 7 से 8 दिन या फिर 10 दिन पहले आप सभी का एडमिट कार्ड देखने को मिलता है। यह एडमिट कार्ड आप सभी फॉर्म भरते समय जो भी ईमेल आईडी का प्रयोग किया है, वो ईमेल आईडी पर आप सभी का एडमिट कार्ड जाएगा या फिर मैसेज जाएगा कि आप सभी का इतने तारीख को एग्ज़ाम है और किस जगह पर आपका एग्ज़ाम है, और एडमिट कार्ड भी आप सभी के ईमेल पर ही पहुँच जाएगा। जब
आप सभी उस पर क्लिक करोगे तो आप सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। चिंता बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि आर्मी की तरफ से जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें यहाँ पर आप सबको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि एडमिट कार्ड के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके ईमेल पर ही आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर ईमेल पर आपका एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, मतलब ईमेल द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि आपका एग्जाम कब है, कितने तारीख को है, किस जगह पर है। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। और आप सभी अपने मनीष भाई स्टडी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भी मैं आप सभी को सारी जानकारी समय समय पर देता रहता हूँ, ताकि आप सभी किसी भी जानकारी से वंचित न रह जाएं, सारी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, और आप सभी 49 रुपीज वाली PDF जरूर ले लें, क्योंकि आप सभी उस PDF से सिलेक्शन पा सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे का आखिरी भर्ती हो, किसी बच्चे का पहली भर्ती हो, किसी बच्चे का अभी एक दो भर्ती बीतने के बाद ये भर्ती रही हो। तो आप सभी को अगर इस बार 2024 में सिलेक्शन लेना है तो आप सभी वो 49 वाली PDF लेकर पढ़ लीजिएगा। आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा और स्कोर भी बढ़ेगा, जिससे आप सभी फिजिकल में थोड़ा बहुत नंबर ला के सिलेक्शन भी आर्मी अग्निवीर में पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको जानकारी पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।